उधर भूटान ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें चीन ने दावा किया था कि भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विवादास्पद क्षेत्र है। भूटान ने चीन के इस कदम का विरोध करते हुए दो टूक कहा कि वो जमीन हमेशा से भूटान की रही है और उसको लेकर कभी भी विवाद नहीं रहा है। दरअसल चीन ने कुछ दिनों पहले भूटान के संगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विवादास्पद बताया था। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी दी कि अगर वो विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलीपींस के विदेश सचिव ने चीन को अतिक्रमण की कोशिश न करने की नसीहत भी दी क्योंकि चीन फिलीपींस की सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही चीन के विस्तारवादी मानसिकता पर पानी फेरते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है। चीन दक्षिण सागर में जिस तरीके से लगातार चीन को हर देश वार्निंग दे रही है क्योंकि जो विस्तारवादी सोच चीन की है उससे सारे पड़ोसी देश इस वक्त परेशान हैं।